हम अवेलेबल कर देंगे। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, आई होप आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे या जो नहीं जानते, मेरा नाम जी अहमद मंजूर है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। उसी के अम्ब्रेला के अंदर एक कंपनी है और इनोवेशन अकेडमी, जिसके अंदर हम बाकी सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के अलावा उनको देखते हैं। और मेरा कोई 21 साल का एक्सपीरियंस है जी आईसीटी इंडस्ट्री का, मेनली नेटवर्क्स का है, और मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं इसी हवाले से। अभी मैं PAIIC के साथ, जो प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है, उसके साथ ब्लॉकचेन एज ए ब्लॉकचेन लीड काम कर रहा हूँ। तो जो आप लोगों में शायद फेसबुक पे हों या जो उस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हों, उन्होंने मुझे शायद देखा हो। बाकी मेरे साथ इस टाइम जो के मेरे को होस्ट और जो आप लोगों के ट्रेनर रहेंगे जावास्क्रिप्ट के, अथीरियम के एक्सपर्ट हैं सुफियान साहब। तो मैं अब उनको बुलाता हूँ एंड ही विल वर्क आउट। सुफियान साहब, स्टेज इज योर्स नाउ, काइंडली अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा और आई एम गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुफियान है और मैं आपको जावास्क्रिप्ट का सारा कोर्स कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। और आवाज नहीं आ रही आपकी। सुफियान भाई, आपकी आवाज काफी कट कट के आ रही है। सर उनकी साइड पे इशू है, आप मेरे ख्याल वीडियो बंद कर दें अपनी थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली सुफियान भाई के कुछ इंटरनेट में इशू आ रहा था, वो दोबारा रीज्वाइन करते हैं अपने मोबाइल से। तो आप लोग तब तक अगर अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रो करवा दें मुझे, उमर साहब, उस्मान साहब एंड मुदस्सर साहब। जी मैं इस वक्त एक MSP के साथ काम कर रहा हूँ यूके में। अच्छा, मतलब यूके की MSP है और मैं यहाँ रिमोट सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप कहाँ पे होते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं? जी मैं लाहौर में होता हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही। सॉरी आपका नाम है, मिस आउट कर गया इंट्रो में। जी मेरा नाम जी अहमद मंजूर है। जी सही। अच्छा सर, मैं जो है ना वैसे नेटवर्क्स की ही मेरी भी डोमेन है मेन। ओके। और अब ग्रेजुअली करता हुआ मैं जो हूँ ना प्रोजेक्ट लीड के तौर पर यहाँ पर भी MSP में भी काम कर रहा हूँ, और अब मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और जावास्क्रिप्ट वगैरह की साइड पे मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है मुझे, मतलब पीयर्स ने कुछ। बिल्कुल सही। इसके लिए मेरे लिए जो है ये एक रिक्वायरमेंट बन गई कि जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ना नो हाउ होनी चाहिए ताकि मैं टेस्ट सिनेरियोस लिख सकूं और यूज केसेस और इस तरह से जितनी भी चीजें हैं वो मैं कर सकूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके लिए एक बिगिनर मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट है। वैसे मैं तकरीबन पिछले चंद साल से जो है नेटवर्क से और मतलब नेटवर्क और सर्वर साइड से मैं कनेक्टेड हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आसिफ उस्मान साहब, आप कुछ अपने मुतालिक अगर बता सकें तो। सर आसिफ उस्मान खट्टर, मैं कीमावत से हूं और रेमिस किया है नस से। अच्छा जी। और मेरे बेसिकली तो मैं क्या है वायरलेस सेंसर नेटवर्क पे किया है। ठीक है। मैं बिगिनर हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जज़ाकअल्लाह। मुदस्सर भाई, आप अगर अपने मुतालिक कोई बात बता सकें तो।
वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, बिगिनर ही हूँ। अच्छा जी, ठीक है। सुफियान भाई ने मैं दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो सुफियान भाई आपको आवाज आ रही है जी? सुफियान भाई कंटिन्यू कीजिएगा, मेरा ख्याल है आप मोबाइल से कनेक्ट। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज बिल्कुल आ रही है, आवाज बिल्कुल आ रही है आपकी, और मेरा ख्याल है आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं, राइट? जी सर। तो हम प्रेजेंटेशन जो बनाई थी वो तो नहीं शेयर कर पाएंगे सबसे, तो अब आप जरा अपना इंट्रो और हम जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ेंगे और वो सारा जरा आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, बाकी जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो ईमेल कर देंगे या नेक्स्ट रख लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे कि ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है इस टाइम में, जावास्क्रिप्ट कह लेंगे, बाकी लैंग्वेजेस कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस ये 64% यूज होती है, मतलब ज़्यादा सबसे यूज हो रही है। इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ये फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए और हमारा जो एप्लीकेशन होता है उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, कि मतलब यूज़र को हैंडल करने के लिए, यूज़र हैंडलिंग इसमें सबसे बहुत अच्छी करती है ये। और ये फ्रंट एंड में आजकल जैसा कि फ्रंट एंड चल रहे हैं और ये उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके साथ साथ इसकी कुछ लाइब्रेरीज आई हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स आए हैं जो बहुत आउट क्लास है और जिन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन उनको सीखने के लिए, उन पे काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है और नोड जेएस है। तो अब तो मार्केट में काम ही इन पे हो रहा है ना। अच्छा, जेएस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो बिल्कुल बेसिक्स के वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना उसका अपने बेसिक्स समझना होता है। अगर आपकी बेसिक्स नहीं ठीक कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, कहाँ स्टोर होती है, कैसे वो वर्क करती है, ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, किसी वैल्यू को चेंज कैसे करना है, और ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट सेम होते हैं ये चीज़ें, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, जैसा कि ऊब वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट उसको। और इसका सिंटैक्स देखेंगे कि ये अपने अंदर क्या क्या चीज़ें लेके जा रही है ये, क्योंकि हर लैंग्वेज अपने फंक्शंस को, अपने वेरिएबल्स को अपने तरीके से डील करती है। तो इसका जनरल सिंटैक्स हमें सीखना है। अगर हमने इसका जनरल सिंटैक्स सीख लिया तो हमें ऑलमोस्ट जो 5 से 6 फ्रेमवर्क है इसके, उनके ऊपर काम करने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखें फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं जो ऊ बेस्ड होती हैं, जो कि जैसे कि हमारा फेसबुक है या और तरह की चीज़ें। तो उसके बाद ये फ्रंट एंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसा कि फ्रंट एंड के जो टैग्स होते हैं HTML के साथ ये इंटीग्रेट कर जाती है, ठीक है। हम किसी भी टैग को डिलीट कर सकते हैं, टैग के साथ हम खेल सकते हैं जैसे मर्जी, अपनी वैल्यूज या जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना है उसका जो आउटपुट है वो हम इजीली अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। और इसके बाद ये नेटवर्क एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए भी यूज होता है, जैसे कि आपने कोई नेटवर्क एप्लीकेशन बनानी है, उसमें नेटवर्क की कोई करेक्टरिस्टिक डालनी है उसके अंदर HTTP जैसे, तो ये उन एप्लीकेशंस को लिखने के लिए भी काम आती है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये ऑलमोस्ट अब तो यूज़ ही इसके, ये और इसके फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे हैं आगे जाके। तो हम इंशाल्लाह इसको 5 दिन के अंदर अंदर कवर कर लेंगे, इसके 1 से 2 एप्लीकेशंस बना के देखेंगे और डिफरेंट चीज़ें कि ये काम कैसे करती है, आउटपुट कैसे जनरेट करती है और ये HTML के साथ, CSS के साथ कैसे काम करती है, ठीक है। अंदर जो डेवलप हुई और हम उस तरह की एप्लीकेशन इंशाल्लाह बनाने की कोशिश भी करेंगे और इसको साथ लेके चलेंगे।
आपका कोई प्रश्न है तो पूछ। जी जी थैंक यू। अच्छा सुफियान भाई मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि एक तो आपने वैसे तो बताया भी है प्री रिक्विजिट्स, अब डिग्री में मतलब हम में से शायद ज्यादातर लोगों ने वैसे तो पढ़ा होगा, लेकिन वो जाहिर है एक फील्ड की डिफरेंस की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा दोबारा देखना पड़ सकता है, और साथ क्या रिकमेंड करेंगे कौन सी मतलब प्रूफ में किस तरह से इसको देखा जाए, सी लैंग्वेज को देखा जाए क्या, मतलब प्री रिक्विजिट्स को अगर आप क्लियरली डिफाइन करें ना तो वो जरा आसान हो जाएगा, और दूसरा इस कोर्स का जो है कैटलॉग या कोई कॉन्टेंट कि क्या क्या उसमें हम कवर कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में, मतलब कि जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स वगैरह या वनीला जावास्क्रिप्ट इस तरह का कोई टच होगा बीच में, जाहिर है बाकी तो उसके फ्रेमवर्क तो आगे की बात है लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट को अगर हम देखें तो स्कोप क्या होगा वो थोड़ा सा बता दें। जी आवाज आई आपको मेरी? जी आ रही है, बोले आप। जी मेरा पूछने का मकसद था कि जावास्क्रिप्ट का जो है मतलब जावास्क्रिप्ट के जो आगे से फ्रेमवर्क्स हैं वो तो बात की बात है, हम पूछना मैं चाह रहा था वनीला जावास्क्रिप्ट है या जेएसएक्स है इसको थोड़ा सा टच बेस करेंगे, या फिर कोर्स का स्कोप या कंटेंट क्या है, और दूसरा थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि प्री रिक्विजिट्स क्लियरली थोड़ा पता चल जाए हमें, ताकि हम पता हो कि जावास्क्रिप्ट से पहले क्या पता होना जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को करने की, क्या थोड़ी सी अप्रोच अगर आप इसी तरह से बता दें ताकि हम लेक्चर को कंटिन्यू प्रॉपर्ली कर सकें। जी मैं बता देता हूँ, एक्चुअली जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हैं कि वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं, कैसे उनको एक्सेस किया जाता है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं हर लैंग्वेज, आप सी कर लें, सी प्लस प्लस कर लें, आप जावास्क्रिप्ट कर लें या पाइथन कर लें, आपको वो चीज़ें अगेन सीखनी पड़ेंगी, एक कोई एक आधा लैंग्वेज आपको सीखेंगे तो देन वो दूसरी लैंग्वेज सीखना आसान हो जाए। हम अगर तो बिगिनर्स हैं कुछ लोग तो बिल्कुल कह लेंगे स्टार्ट से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो किस चीज पे ऊपर बेस करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और ये क्या क्या काम करती है। अच्छा उसके बाद आपने पूछा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको कवर करवाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें कैसे ही होती हैं और कैसे काम करती हैं। एक्चुअली इसके अंदर आपको डाटा स्ट्रक्चर प्री रिक्विजिट अगर करेंगे, मैं कहूँगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ें जिसमें एरेज होती हैं और वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, एरेज कैसे काम करती हैं, लूप, ये चीज़ें। लेकिन जब इसको जावास्क्रिप्ट के साथ करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर, तो आपका मिक्स नहीं होगा, ठीक है, आपका जो लूप का कॉन्सेप्ट बनेगा, जो एरे का कॉन्सेप्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बनेगा, वो जावास्क्रिप्ट के लिहाज से बनेगा, तो फिर आपको वो मिक्स नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम स्विच करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारी चीज़ें मिक्स होना स्टार्ट हो जाती, वो हमें सही से सिंटैक्स समझ नहीं आता कि किसमें क्या काम हो रहा है, क्योंकि कुछ तो चेंजेस होती हैं लैंग्वेज, जैसे कि सी प्लस प्लस अगर प्योर होती तो जे एस की क्यों जरूरत पड़ती, पाइथन क्यों आती, तो इस तरह हर लैंग्वेज ने अपना अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ये कैसे काम, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको कोर्स के अंदर कवर करवाऊंगा। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है इसकी फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस जो आजकल बहुत ज्यादा इन है, और उसके बाद नोड जेएस, इन दोनों का टच दूंगा इंशाल्लाह, और इन दोनों का आपको एक पाथ बताऊंगा कि कैसे इसको आगे लेके चलना है, लेकिन उसके लिए आपको जेएस क्योंकि वो जस्ट फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ जैसे कि नोड जेएस सर्वर साइड के लिए, रिएक्ट जेएस क्या कंपोनेंट्स चीज़ें कंपोनेंट बेस्ड आपने अगर एप्लीकेशन बनानी है जैसे कि फेसबुक है, उसका एक एक चीज़ एक एक बटन कंपोनेंट्स में डिवाइड, हर कंपोनेंट अपना काम करता है और कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं, तो इससे हमारा कोड बच जाता है। तो उसको सब करने के लिए उसका पाथ पे चलने के लिए आपको जेएस आना बहुत ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट पे सारा पीछे बैकएंड पे आपको पता होगा तो देन आप चल सकते हैं। अच्छा ये आसिफ उस्मान साहब का एक क्वेश्चन था कि
देखें, रिकॉर्डेड और लाइव सेशन में फर्क जो होता है वो बेसिकली इसमें, जिस तरह अभी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, लाइव सेशन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन में आप ये, आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन इज फाइन, लेकिन वो रिकॉर्डेड सेशन कब बना और कब उसकी रिकॉर्डिंग की गई, क्या उसकी अब अपडेट्स आ रही हैं, तो बेसिकली ये फर्क होता है एक लाइव सेशन में और एक रिकॉर्डेड सेशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड माय आंसर। इसका सर मैं भी बता दूं, प्लीज प्लीज। अभी मैंने रिसेंटली जो कोर्स करवाया है इथेरियम का, तो उसके अंदर जो लोग थे उनके पास भी ट्यूटोरियल्स हैं, बुक्स हैं, सारी चीज, लेकिन उनको पता नहीं था कि बेसिकली चीजें आपस में इंटीग्रेट कैसे होती हैं, क्योंकि वो जैसे कि आपका क्वेश्चंस, आपके एरर्स आते हैं, तो एक लड़के के तो 10 दिन बाद जाके सेटअप स्टार्ट हुआ, उसके एरर्स ही इतने आ रहे थे। तो अभी तक वो मेरे साथ टच हैं कि सर मुझे ये एरर आ गया, मुझे ये एरर आ गया। तो अभी तक मतलब कोर्स ख़त्म भी हो गया, लेकिन उनके एरर्स आ ही जा रहे हैं और मैं उनके एरर्स को दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको एक लाइव टीचर मिल जाता है जो कि आपको सही तरीके से बताता है कि ये चीज़ करो, ये ना करो, ठीक है, इसका फ़ायदा है। जी सर। जी मुदस्सिर भाई, आपका कोई क्वेश्चन? उमर भाई, आपका कोई क्वेश्चन और? जी सर, मेरा वही बस उसी का फॉलोअप था थोड़ा सा। तो मतलब क्लैरिफिकेशन ये मैं चाह रहा था कि इन्होंने अभी बताया कि कोई और अभी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है एज अ प्रीरिक्विजिट, क्योंकि वरना कंफ्यूज होने का चांस है। मतलब यहाँ पर हमें ऊप का जितना भी वो है, मतलब जावास्क्रिप्ट का जितना भी है बैकग्राउंड, वो दिया जाएगा, मतलब उसके उसको जी हाँ, हम देखें, इसका मकसद ये है, इस पूरी ट्रेनिंग का सर मकसद ये है कि हम लोग आपको बेसिक से लेके चलेंगे, नॉट लाइक के जी आपको पहले ये आना चाहिए या वो आना चाहिए। इवन दो हमने जब इथेरियम भी स्टार्ट किया था उसमें भी हम बेसिक से लेके चले थे, ठीक है, बिकॉज हमें अंदाजा इस बात का कि प्रोग्रामिंग बहुत सारे लोगों को नहीं आती, ठीक है, जैसे आपने अपने अपना बैकग्राउंड बताया। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सबको एक लेवल पे लेके आए और आगे लेके चलें, क्योंकि मकसद सिखाना है, मकसद ये नहीं है कि बस जी आपको कुछ बना वो करके तो बीच में छोड़ दें रास्ते के। अगर शुरू करेंगे एक सफर तो उसको एंड भी इकट्ठे करेंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, ठीक है ना, ठीक और है। आप जी हाँ, तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशंस में, और जो जो उस्मान भाई ने क्वेश्चन किया था, रिकॉर्डेड सेशन में और एक उस लाइव सेशन में ये फर्क होता। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि लोगों तक नॉलेज को पहुंचाया जाए, रादर देन के बस जो है ना जिस तरह नॉर्मली लोग करते हैं, कमिटमेंट कर दीजिए कि बाद में आपको जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू नो वी ऑल वर विक्टिमाइज ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना जी। हाँ, तो हम इस चीज पे नहीं, यानी कि क्योंकि मैं खुद इसका विक्टिम रहा हुआ हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस जिसमें तकरीबन 18 साल मैंने जॉब की हुई है, ठीक है, पिछले 2 साल से मैं ये सारी चीजें चला रहा हूँ। तो द पॉइंट इज के हम लोग उन चीजों को खत्म कर रहे हैं बेसिकली, तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। सर इसके लिए मैं छोटी सी एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। देखें, अगर आप, मैं इसमें ये नहीं चाहता कि बहुत कोई बड़ा बैच बने, लेकिन इट्स फाइन कि मेरे पास 5 से 10 लोग भी आ जाएं तो आई विल स्टार्ट द थिंग, लेकिन उसके लिए वही है कि जो रिक्वेस्ट मैं सबके करूंगा कि आप लोग अपनी फीस अगर सबमिट कर दें तो हम इसको इस वीक में फिर नहीं, क्योंकि पहली हमारा आज का इरादा था, तो इसको नेक्स्ट वीक में या फिर उससे नेक्स्ट वीक में हम मंडे को स्टार्ट कर देंगे और 5 डेज का कोर्स होगा एंड यू विल गो विद इट। सर वो है जी, फीस की तो बात हुई थी, फीस तो हम जमा कर देंगे, फीस का इशू नहीं है जी। वो है मेरा क्वेश्चन तो सर। जी जी पूछिए सर, हम इसीलिए आज का सेशन रखा ही आपके क्वेश्चंस के लिए सर, प्लीज आस्क। अच्छा सर, ये है कि 5 डेज में क्या हम इस काबिल हो जाएंगे कि मींस जावास्क्रिप्ट हमें आती होगी बिगिनर्स लेवल तक? सर इसीलिए ये सेशन 5 दिन का रखा है कि आप लोगों को ये चीज आ जाएगी। इवन सुफियान साहब ये भी कह रहे हैं कि आपको रिएक्ट जेएस का जो नेक्स्ट एडवांस लेवल का कुछ हल्का फुल्का टच दे देंगे कि आपको एक पाथ मिल जाएगा कि आपने जाना किस तरफ है, नोड जेएस का और रिएक्ट जेएस का, वो आपको तभी मिलेगा जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। तो होपफुली आपको बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे इसके अंदर सारे के सारे, जो कि जीरो से स्टार्ट होंगे। ठीक है सर, ठीक है।
मेरी तरफ से तो वो है सर, यस है। जज़ाकअल्लाह। लेकिन सर टाइम जो है ना ये 10 बजे ठीक है क्योंकि सर? हाँ नहीं, इसका टाइम हम 10 से 11 ही रखेंगे बेसिकली बिकॉज ऑफ तरावी और सारी चीजें ठीक है। तो हमने इसका माइंड में यही रखा है कि 10 से 11 बजे ही इसका टाइम रखा जाएगा। सर क्योंकि दिन को भी सर मैं फ्री नहीं होता। नहीं दिन में हम में से कोई भी फ्री नहीं होता ठीक है। तो और वैसे भी रात सारी तो जाग ही रहे होते हैं तो क्यों ना इसको एक्चुअली वो किया जाए क्योंकि रमजानुल मुबारक भी शुरू है ठीक है। तो 10 से 11 इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली। सही बात है सर, सही बात। ठीक है ना। मैं अभी सर दौड़ के आया हूँ, 9:53 पे मेरी हमारी तरावी खत्म हुई है तो दौड़ के क्या। नहीं 10 से 11 ही टाइम रखेंगे इसका, इसको ना तो जल्दी करेंगे ना लेट करेंगे बिकॉज वो रास नहीं आएगा किसी को भी ठीक है ना जी। ठीक है, क्योंकि वही बात के हम में से जो भी आईटी के लोग हैं मेरा नहीं ख्याल फजर से पहले कोई भी सोता तो क्यों ना हम इस टाइम को ना वो करें बेसिकली जिसे कहते हैं यूटिलाइज करें बेसिकली। मैंने इवन जो ब्लॉक अपना ब्लॉकचेन का बूट कैंप रखा हुआ है नेक्स्ट वीक में वो भी 10 से 11 ही है उसकी टाइमिंग भी। ठीक है ना जी। सर वो किस तरह है वो उसकी ओरिएंटेशन आपने दी है या नहीं? सॉरी ब्लॉकचेन की ओरिएंटेशन आपने दी है या नहीं? उसकी ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो सबको ऑलरेडी पता है उस चीज का तो वो तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो वो 4 से 8 तक वो है तो वो आप जो हमारा फेसबुक पेज है उस पे जाके आप उसके ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा सर ये मुझे फेसबुक पेज जरा सर आप फेसबुक पे जाके सिर्फ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट लिखें आपको आई होप नजर आ जाएगा बिकॉज दिस इज द ओनली कंपनी जो के जो है ना ब्लॉकचेन के नाम से रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना जी। और सर आपकी टाइमिंग कौन सी है इधर? उस बूट कैंप की टाइमिंग भी 10 से 11 है। अच्छा जी हाँ। सर ये नेक्स्ट वीक में अगर किसी तरह फाइनलाइज हो जाता क्योंकि फिर वो 2 हफ्ते पड़ जाएंगे वरना तो बीच में। हाँ जी वो डिपेंड करता है कि मैं वही कह रहा हूँ कि वो फीस सबमिशन पे और इन चीजों पे डिपेंड करती है ये चीज। ठीक है तो क्योंकि अगले वीक में मेरा अपना बूट कैंप है जो कि पूरा वो अलाइंड है ऑलरेडी। ठीक है तो मेरा इरादा तो इसको आज से शुरू करने का था जी। ठीक है लेकिन होपफुली नेक्स्ट वीक क्योंकि अगर तो हमें वही बात के मार्केटिंग और करनी पड़ी थोड़ी सी कि और लोग आ जाएं बिकॉज हमने फीस ही जावास्क्रिप्ट की बड़ी मिनिमलिस्टिक सी रखी है होपफुली आपको पता है उस फीस का राइट। दैट इज 2500 रुपीज फॉर क्वालिटी एजुकेशन इज नथिंग। ठीक है ना जी। तो वही बात का मकसद सिखाना है, मकसद ये नहीं है कि इससे कोई पैसे बनाए जाएं लेकिन वो भी अमाउंट रखने का एक मकसद है बिकॉज उसमें सिर्फ जो है ना इंटरेस्टेड लोग जो वो हैं वो आते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई वो सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है ना। तो जिनमें से कुछ का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और समथिंग और ये टेक्निकल एजुकेशन है तो इसलिए वो मिनिमलिस्टिक फीस रखने का भी मकसद ये है इसके अंदर। सही सर, बस सर कोशिश करें कि सर जल्द हो जाए क्योंकि मेरा तो वो अपना वो था कि एक मई से के बाद में जावास्क्रिप्ट सीख जाऊंगा। नहीं इंशाल्लाह जी सीख जाएंगे, ये जब स्टार्ट होगा तो ये खत्म भी उसी तरीके से हो जाएगा। और सुफियान भाई इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर जो के जिनका तकरीबन कोई 4-1 साल का एक्सपीरियंस है और सारा सिलसिला एक पूरे का पूरा। ठीक है वो प्रोग्रामर है बाय हिमसेल्फ तो इंशाल्लाह आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी रादर देन के हम जो है ना बस एमए ही करके नहीं चले जाएंगे कोई चीज। ठीक है ना। ठीक है सर, ये व्हाट्सएप पे जो कम्युनिकेशन हमारी चल रही है सुफियान भाई के साथ है, मतलब कोई क्वेश्चंस हो तो उधर ही राउट किए जाएंगे? ये मैंने हमारे पास है आपके एक्चुअली एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं आपके पास कौन सा नंबर है? आई एम सो सॉरी जी, मुझे तो वही जो मार्केटिंग में कहीं मिला है नंबर है 03450। अच्छा वो उसमें ना मैं जावास्क्रिप्ट का एक ग्रुप बना यानी के बना देते हैं हम लोग। ठीक है तो उसमें सुफियान भाई को भी ऐड कर देंगे और आपका एक पूरा बैच जब होता है तो एक्चुअली हम करते ही हैं कि जो भी हमारा बैच बनता है ना उसका एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है तो उसपे आप लोग क्यूरीज कर सकते हैं एनी टाइम, यानी वही बात हम आईटी के लोग हैं सोते तो है नहीं। ठीक है तो हम तो सुबह 4-4 बजे भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं बैठ के। ठीक है ना जी। सही बात।
सर ये मुदसर साहब जो है ना व्हाट्सएप लिंक मांग रहे हैं। व्हाट्सएप लिंक? व्हाट्सएप लिंक जी, व्हाट्सएप लिंक तो कोई नहीं है, नंबर है फिलहाल 0345002657। सर ये इनको लिखवा दे क्योंकि इन्होंने, मैं एक सेकंड 0026567। ओह सॉरी, प्राइवेटली चला गया। ओके ये नंबर है जी, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये वेबसाइट पे हर जगह पे अवेलेबल है। तो जब बैच शुरू होता है तो हम बैच के पहले दिन ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसपे आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं और सब कुछ है, तो उस पे ही नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं उस बैच से रिलेटेड और सारी चीजें चल रही होती हैं। बिकॉज वी आर अ टेक्निकल कंपनी तो हम टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं, क्यों सुफियान भाई? तो ये चीज है जी सर। अच्छा एक्चुअली ये भाई पूछ जी, तो मेरा ख्याल है फिर सेशन को खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट के क्या किस तरीके से रिस्पांस आता है सबका। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो आपको आज रात को एक ईमेल भी निकाल दें, ये जो है इसको हम इस मीटिंग को अपने जो है ना ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर करके तो इसका लिंक भी शेयर कर देंगे और आप सबको ईमेल भी आ जाएगी, तो लेट्स सी। ठीक है चलें, थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सुफियान भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।